तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष लायल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेल वायरलेस ब्लूटूथ माउस, जिसका मॉडल नंबर है KM117। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ एंड माउस का सेट है, जो कि मुझे 1200 रुपये में पड़ा है। ये मैंने डेल की शॉप से ही जाके लिया था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था। मगर दोस्तों, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करा और इसकी वीडियो बनाई थी मैंने, तो इसको मैं सोचा कि आपको डाल दूँ इसको भी। तो ये दोस्तों दिखा देता हूँ, यहाँ सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखी हुई है, जो कि मैं पढ़ के नहीं सुनाऊँगा। यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है पैकिंग का, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कब ये बना हुआ है, और डेल वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस KM117 मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसका प्राइस लिखा हुआ है 1399 रुपये दोस्तों। और ये चलिए इसको पैकिंग खोलते हैं इसकी और देखते हैं। और डिब्बा तो इसका काफ़ी भारी लग रहा है दोस्तों, और है भी। और यहाँ पे दोस्तों इसका वारंटी वगैरह है, इसकी 1 साल की वारंटी मिली है मुझको। 1 साल में अगर ये ख़राब होता है तो चेंज हो जाएगा, या बना के दें, जो भी। अभी इसका कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कीबोर्ड, और ये थोड़ा हैवी कीबोर्ड है दोस्तों, भारी है ये वेट में, करीब 200 ग्राम 250 ग्राम से ज़्यादा का ही होगा। चलिए इसको खोलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका, यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह जो भी लिखा है थोड़ा बहुत, और इसका नेम एंड मॉडल वगैरह हो गया। और दोस्तों, ये फ्रंट साइज़ है दोस्तों। बस इस कीबोर्ड में मुझको एक चीज़ बुरी लगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे कंट्रोल के 2 बटन हैं, शिफ्ट के 2 बटन हैं, कैप्स लॉक है, विंडो है, फंक्शन की भी दे रखी है इसमें दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों, ये जो अगर इसकी बैटरी लो होती है तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइट जल जाती है रेड कलर की, पर बैटरी लो होने पे दोस्तों, बाकी इसमें कोई कीबोर्ड में लाइट नहीं लगी हुई है अलग से। और दोस्तों, इस कीबोर्ड को ऑन ऑफ़ करने का सिस्टम भी नहीं है, कि अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो इसको ऑफ़ कर दीजिए, आपको यूज़ नहीं करना है सेल डाले रखिए, मत ऑफ़ करिए। तो ये मुझको बहुत बुरा लगा। यहाँ पे 2 सेल पड़ेंगे, पेंसिल सेल पड़ेंगे 2। और दोस्तों, इस कीबोर्ड में ये भी है, जैसे मान लीजिए अगर आपको यूज़ नहीं करना काफ़ी दिन के लिए, आपने सेल डाल के रख दिए, तो दोस्तों इसका सेल डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं, रेगुलर ऑन रहता है। यह है दोस्तों माउस की बात, ये है तो काफ़ी पकड़ने में माउस दोस्तों अच्छा है ये। और यहाँ पे इसका एक सेल पड़ता है, और इसमें दोस्तों बड़ा वाला सेल पड़ता है, जो कि घड़ी में लगता है। और यहाँ पे दोस्तों, ये माउस का ऑन ऑफ़ का बटन है, इसको तो ऑन ऑफ़ कर सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ़ नहीं होता है। इसको आप 4 घंटे ऑन छोड़ देंगे तो ये ऑन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद ये ऑफ़ हो जाए। अब पकड़ने में तो दोस्तों कंफर्टेबल लगता है। अब देखिए, ये रही इसकी ब्लूटूथ डिवाइस, जो कि हमें लैपटॉप में लगानी होती है, और ये इससे कम वर्क करता है। तो चलिए इसमें दोस्तों सेल निकाल के हम सेल डालते हैं। और इन्होंने दोस्तों ड्यूरोसेल हम लोग को फ्री दिए हैं, डिब्बे में ही निकले हैं। 3 सेल मिले हैं, 2 पेंसिल सेल और एक बड़ा वाला घड़ी का सेल दे रखा है इन्होंने। और चलिए दोस्तों फटाफट सेल डालते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया, रेड लाइट जल जाती है। दोस्तों वो ब्लूटूथ जो की है वो यहाँ पे रखी जाएगी, क्योंकि इधर उधर रखेंगे तो खो सकती है, तो इसको आप यहाँ पे वर्क करने के बाद रख सकते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं।
और ये हमारा माउस ऑन हो गया। अब कीबोर्ड में सेल डालते हैं दोस्तों और कीबोर्ड को भी चेक करते हैं। अब दोस्तों ये हम इसको यहाँ डिवाइस को लैपटॉप में लगाएंगे और ये अपने आप ही इंस्टॉल हो गई दोस्तों। अब ये ऑन हो गई है, हम आपको ये देखिए। अब लैपटॉप में कोई बटन नहीं है, ना नंबर लॉक का इसमें अलग से एलईडी दे रखी है, किसी चीज़ की एलईडी नहीं दे रखी है दोस्तों इसमें। और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों माउस है, माउस भी अच्छे से वर्क करेगा इसका। मैंने माउस भी यूज़ करा है, देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास। इसकी रेंज दोस्तों कम से कम दोस्तों 30 मीटर की दूर तक ये माउस काम करता है। मैंने ये अपने आप ट्राई किया है और इसका कीबोर्ड भी दोस्तों 30 मीटर से 40 मीटर आराम से आप चले जाइए और वहाँ से कोई भी कमांड दीजिए कीबोर्ड में वर्क करती है। मैंने खुद देखा है दोस्तों, ये ट्राई किया है। और ये देखिए कीबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, कीबोर्ड भी मस्त तरीके से काम करेंगे। तो कीबोर्ड चल रहा है इसमें, कैमरे में कुछ दिखेगा नहीं, थोड़ा नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, मगर ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और ये मुझको काफ़ी पसंद आया नॉर्मली यूज़ के लिए। गेमिंग में भी मैंने दोस्तों इसको ट्राई किया है तो गेमिंग में भी ये काफ़ी अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई की मिस हो जाए या आपने कोई कमांड दिए तो लेना एक सेकंड लगा दे या कुछ ऐसा, इसमें कुछ भी हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। तो ये नॉर्मली यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा माउस एंड कीबोर्ड है। तो दोस्तों अगर ये कीबोर्ड एंड माउस आपको पसंद आया तो इसको ख़रीदने का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो।